न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। सरकार के खेलों को बढ़ावा देने के दावों के बीच ग्वालियर में 81 साल पुरानी नेशनल हॉकी टूर्नामेंट लापरवाही की भेंट चढ़ गया। टूर्नामेंट में देश की 4 नामी टीमों के बीच मुकाबला होना था, लेकिन एस्ट्रो ट्रफ पर पानी का छिड़काव न होने से मैच रद्द करना पड़ा। बद इंतजामी का आलम ऐसा था कि खिलाड़ी सुबह से शाम तक भूखे प्यासे परेशान होते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया जीतो इंडिया का नारा देते हुए खेलों को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस विपरीत ग्वालियर में नेशनल हॉकी टूर्नामेंट नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दरअसल मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगी है, जिस पर पानी का छिड़काव होना था, लेकिन बिजली गुल होने से पानी का छिड़काव नहीं हो सका। साई भोपाल, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और मुंबई की टीमों के बीच मुकाबला होना था, लेकिन सुबह 10 बजे से देर शाम तक पानी का इंतजाम नहीं हो सका। जी, हम लोग का मैच था दोपहर में, था हम लोग का भोपाल साई से, बट यहाँ थोड़ा कुछ लाइट वगैरह का पानी का प्रॉब्लम था, इसके चक्कर चलते हम लोग का मैच हो नहीं हो पाया। जी, जैसे देख रहे हैं अभी सेकेंड मैच चालू होने वाला था, बट अभी भी इधर लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए उधर मैच भी चालू नहीं हो रहा सेकेंड मैच। हम लोग सेंट्रल में मुंबई से। हम लोग, मैं WCR हॉकी टीम का मैनेजर हूँ, और हम लोग का मैच सेल से था, सेल राहुल की तरह से। 4 बजे का टाइम दिया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था इनका, क्या पानी की प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, बस ये है मैच के लिए तो टीमें टाइम से आ जाती हैं और वेट कर रहा है। इन लोगों ने बोला है, जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने, कि हम फ्लड लाइट में करवाएंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो क्या उसी हिसाब से डाइट लेके आते हैं। अब 3 बजे का टाइम था, 10 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट किया कि दिन में लंच नहीं करेंगे, क्योंकि खेलने की वजह से। अब यहाँ पर आए तो पानी की प्रॉब्लम, इनके बिजली की प्रॉब्लम। नगर निगम बीते 81 साल से सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर की नामी टीमें शिरकत करती रही, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले चुके हैं। बिजली ना होने पर नगर निगम के एस्ट्रोटर्फ पर पानी का छिड़काव करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, साथ ही खिलाड़ियों को सुबह से लेकर शाम तक बिठाए रखा। ऐसे में सवाल उठता है कि लापरवाही और बद इंतजामी के बीच केंद्र सरकार खेलो इंडिया जीतो इंडिया का सपना क्या सच हो पाएगा? सुबह सारे मैचेस ऑन टाइम होने थे, जब फाइनली यहाँ पता चला कि सुबह ब्रेकडाउन हुआ है पूरी एकेडमी का, पीछे सुबह ट्रांसफार्मर कुछ ब्लास्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद कोशिश की गई इसको दोबारा रीशेड्यूल करने के लिए। टेक्निकली ये रहता है कि उससे पहले यहाँ पानी डालना पड़ता है, इसके लिए पंपिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण से नहीं हो पा रहा था, तो पहले पंपिंग होगा, वाटर डलेगा टेक्निकली, फिर उसके बाद प्लेयर्स उस पर खेलेंगे, और लाइट अब तक है नहीं। पूरा एकेडमी का ही ब्रेकडाउन है बड़े लेवल का, पूरे का, तो सारे लोग लगे हुए हैं, MPV भी लगी हुई है, भोपाल से मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं, ऑलरेडी 2 मैच थे केवल, है ना, ज़्यादा मैचेस भी नहीं थे, ऑलरेडी एक डे में होना था, एक रात में होना था, तो बेसिकली लाइट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पानी पहले डलता, वो सारी चीज़ों की वजह से लेट हो रहा है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज।